जॉन प्रेम प्रकाश ने आकस्मिक निरीक्षण कर की बड़ी कार्रवाई। SHO लाइन हाजिर, दो सब इंस्पेक्टर समेत कई पुलिसकर्मी सस्पेंड। ADG जॉन प्रयागराज प्रेम प्रकाश चौधरी ने आज कौशाम्बी जिले का आकस्मिक निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय और मंजनपुर थाने के निरीक्षण के दौरान COVID-19 हेल्प डेस्क में लापरवाही बरतने पर SHO मंजनपुर मनीष पांडे को लाइन हाजिर कर दिया। इसके अलावा मंजनपुर थाने पर समस्या का समाधान न करने पर टेवा चौकी इंचार्ज इंद्रकांत यादव और सब इंस्पेक्टर अरुण मौर्य को निलंबित कर दिया। रजिस्टर के बारे में संपूर्ण जानकारी न दे पाने पर मंजनपुर थाने के मुंशी सुभाष यादव को भी निलंबित कर दिया। निरीक्षण के दौरान विभागीय जानकारी न दे पाने पर SP ऑफिस के अकाउंटेंट को भी निलंबित कर दिया। ADG की कार्रवाई से पुलिस महकमे में हरकंप मचा रहा है। थाने का निरीक्षण किया गया है, क्या कार्रवाई की गई है? आज मंझनपुर कोतवाली का निरीक्षण किया गया है। ये आकस्मिक निरीक्षण था। इसमें देखा गया कि कोविड हेल्प डेस्क पर जो कर्मचारी हैं उनकी प्रॉपर ब्रीफिंग नहीं की गई है और उनके द्वारा जो पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनर नहीं चलाया जा पा रहा है। इसके लिए यहाँ के प्रभारी निरीक्षक को लाइन आयोजित किया गया है। साथ ही कुछ शिकायतें मिली थी कि प्रार्थना पत्रों का निस्तारण समयबद्ध रूप से नहीं हो रहा है। आज पुलिस कार्यालय के निरीक्षण में देखा गया कि जो प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी को प्राप्त हुए हैं उन्हें मंझनपुर समय से भेज दिया गया है, लेकिन उनकी प्रविष्टि करने में भी गलतियाँ की गई हैं। जिन सब इंस्पेक्टर्स को जाँच के लिए दिया गया था उनके द्वारा अभी तक जाँच कर उसको नहीं लौटाया गया है, जबकि एक माह से अधिक हो गया है। इसके लिए यहाँ के दो उप निरीक्षकों को निलंबित किया गया है। साथ ही एक कांस्टेबल क्लर्क जिनके द्वारा प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा है, जो अभी तक वारंट आए थे वो लौटाए नहीं गए और उनके लेखा जोखा भी उसके द्वारा सही नहीं रखा गया है, इसके लिए एक कांस्टेबल क्लर्क को निलंबित किया गया है। अन्य जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो दे दी गई हैं। सभी को बताया गया है कि कोरोना काल में पूरी एहतियात बरतें, जहाँ जहाँ जो भी सावधानियाँ हो सकती हैं उनका सभी जवानों को निरंतर हिदायत देते रहें, उनका रजिस्टर में रोज़ाना रिकॉर्ड रखें कि पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल कितना है और टेम्परेचर कितना है। अगर किसी की तबीयत ख़राब होती है तो उसको तत्काल उसका चेकअप कराया जाए। यहाँ जो मालों का निस्तारण है उसकी स्थिति ख़राब है। उसमें अभी जो पूर्व में यहाँ पर हेड मोहरिन मालखाना इंचार्ज थे उनको बुलाया गया है, 10 दिन का समय दिया गया है, उनके द्वारा चार्ज हैंडओवर किया जाएगा। अगर उसके द्वारा लापरवाही पाई गई तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सर, क्या पुलिस कार्यालय में भी किसी को सस्पेंड किया गया? पुलिस कार्यालय में एक अकाउंटेंट को सस्पेंड किया गया है, इन्हें अपने सेक्शन में शिथिल पर्यवेक्षण के लिए और इनको वहाँ कार्य की जानकारी ना होने के लिए निलंबित कर दिया गया है।